दिग्विजय सिंह ने हिंदू संत समाज को बदनाम करने वाले बयान को लेकर बीजेपी विधायक एवं पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि जो व्यक्ति जाकिर नाइक जैसे आतंकी के साथ मंच साझा करे और उसे शांति दूत बताए, ऐसा व्यक्ति तो ऐसे लोगों के प्रवक्ता के रूप में ही काम करेगा। संत समाज से अपील है कि दिग्विजय सिंह का विरोध करे, उन्हें किसी भी मंदिर में प्रवेश न करने दिया जाए। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। जनक है हिंदू समाज, संत समाज और भगवा को उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है और ये उनकी फितरत रही है। जो व्यक्ति जाकिर नायक जैसे आतंकवादियों के मंच को साझा कर उनको शांति दूत कहता हो, वो तो जाकिर नायक की बोली को ही बोलेगा। उनके प्रवक्ता के रूप में हिंदू समाज को बदनाम करने की दिग्विजय सिंह ने कोशिश की है। भगवा आतंकवाद जैसे उपाधियों से इस देश में हिंदू धर्म को बदनाम करना ये दिग्विजय सिंह की आदत रही है। वो जिस वंश के हैं उस वंश की ये परंपरा नहीं रही। निश्चित रूप से ये आपत्तिजनक है और मैं संत समाज से अपील करूंगा कि उन्होंने आज भगवे का अपमान किया है, संत समाज का अपमान किया है। संत समाज को चाहिए कि उनका बहिष्कार करे और किसी भी मंदिर में दिग्विजय सिंह जैसे हिंदू विरोधी व्यक्ति को घुसने का अब अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं सभी मंदिर प्रशासन से, सभी मंदिर से जुड़े हुए संतों से ये अपील करता हूं कि दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति को अब किसी भी देश के मंदिर में प्रवेश करने पर रोक लगाई जानी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।